इस वक्त एक वड्डी खबर निकल के सामने आई है। हुण पंजाब की जेल नहीं, हुण हैगी है गुजरात की जेल, क्योंकि इस बार गुजरात की जेल चो लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो वायरल हुई है। जिसे वो पाकिस्तान के एक वड्डे नामवर जिहड़ा डॉन टाइप बंदा हैगा, जिहड़ा अपराधिक वृत्ति वाला बंदा हैगा, उहदे नाल उसनू मुबारकबाद दिंदा नज़र आ रहा है। ईद की मुबारक दे रहा है, उस कोल इन्नी खुल हैगी है कि वह जो मर्जी फोन पर किसी को भी वीडियो कॉल करके वधाई दे सकता है, धमकी दे सकता है। सीएम से लेकर बड़े बड़े जस्टिस जेलों के अंदर बंद रहे हों, पंजाब की जेल हो, हरियाणा की जेल हो, दूसरे स्टेट्स की जेल हो, हमेशा विवादों में रही है, राजनीतिक विवादों में रही है। ये बहुत सीरियस इशू है, इसको हल्के में ना लिया जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पंजाब हमेशा उथल पुथल रहे, पंजाब में हिंसा बढ़ती रहे, पंजाब तरक्की ना कर पाए। वो इस तरह के खेल खेलते हैं कि जिसमें पैसा भी है, राजनीति भी है और बहुत सारे असामाजिक और क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं। जो हालात पंजाब से निकल रहा है, पंजाब वो दोबारा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने वाली है। जिस स्टेट के भाजपा लंबे समय तो राज कर रही है, जिथों राज करते करते देश के तीन बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं, तो उस स्टेट के भी जो ये वीडियो वायरल हो रही है तो असं मान लीए कि सारा तंत्र ही गलतान है। कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ये लापरवाही भी है या कहीं कनाइवेंस है? कुछ लोगों की मिली भगत इसके अंदर है। पाकिस्तान के नाल राबता भारत के रह के जो असं उस व्यक्ति दियां कुछ स्टेटमेंटा सुनते हैं, असी लॉरेंस बिश्नोई जो डी उन्होंने तरीक से लिया जाता सीगा, तो हुण तक तरीकां ही उहदियां ऑनलाइन कर दी गई ने, तो वह जिक्र करता सीगा अपनी वीडियो के भी जिक्र करता सी जिहड़ियां इंटरव्यू हुई कि मैं बहुत वड्डा देश भगत हैगा, मैं बहुत बहुत समाज के लिए सोचना हैगा, गऊ रक्षा करनी हैगी, असं बहुत समाज के बारे सोच रहे हैं, असं हिरन नूं मारिया तो सलमान खान नूं टारगेट कर रहे सी लगातार, तो वो पाकिस्तान के नाल लिंक, जो पाकिस्तान असं लिंक करते हैं तो फिर असं मान लीए कि इंटरनेशनल लैवल से अपने आप को एस्टैबलिश कर रहे हैं। जेल से आप जिस तरह से इस देश के तमाम कानूनों को धटा मानकर तोड़कर आप उनको मुबारकबाद कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो आप देशभक्त तो इस तरह के लोग हो ही नहीं सकते। बहुत सारे वड्डे वड्डे लोगों को करोड़ों के विच पैसा वसूलिया जाता है, तो लगता है कि कई वेले ये भी होंगे कि कुछ लोग कहते कि फेक बंदा अकाउंट सानू कॉल कर रहा है, गलत नंबर तो कॉल आ रही है, असं तो नहीं यकीन करते, तो फिर इदा की एक वीडियो वायरल कर दी जाती है कि मैं कितने भी कॉल कर सकता, तो जो तुम पैसों की कॉल आ रही है तो मान लो वो मेरी कॉल ही हैगी है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सच है, ये सच्चाई है, इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा डाउट नहीं है। सत श्री अकाल दोस्तों, न्यूज़ ओनली देख रहे हो तुसीं, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम सवाल जवाब लैके हाजिर हाँ। दोस्तों सवाल उस वेले जरूर खड़े होणगे जदों जेलां दे विच बैठे हुए गैंगस्टर अपने मनसूबियां नूं बादस्तूर जारी रखणगे। पिछे जे असीं उह भी खबरां सुणियां सी कि जेल दे विच खास करके पंजाब दी जेल दे विच बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई दी एक निजी चैनल ते इंटरव्यू वायरल हो गई सी, एक नहीं एक तो बाद दो इंटरव्यू वायरल हुई सी, तो उस तो बाद वड्डे सवाल खड़े हो गए सी कि आखिर जे जेलों के बैठ के इस तरीके गैंगस्टर लाइव वीडियो दे सकते हैं तो फिर वो धमकियां एक्सट्रॉशन कतल करने वर्गियां वड्डियां वारदातों भी अंजाम जरूर दे सकते, तो इस करके सिद्धू मूसेवाले का कतल का पूरा जिहड़ा तामा जामा हैगा वो लॉरेंस बिश्नोई के उपर आउंदा हैगा। तो इस वक्त एक वड्डी खबर निकल के सामने आई है, हुण पंजाब की जेल नहीं, हुण हैगी है गुजरात की जेल। तो जेलां बेशक पंजाब दियां होण चाहे गुजरात दियां होण, तो शायद इन्हां वड्डे अपराधियों के लिए हालात इक्को जे रहिंदे ने। ये सवाल इस करके उठ रहे हैं क्योंकि इस बार गुजरात की जेल चों लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो के सारे जिहड़े नुक्ते ने वह आपां जानण की कोशिश करांगे, साडे नाल रिटायर्ड ACP वेद भूषण जी मौजूद ने। भूषण साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। नमस्कार जी। ਪੁਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, 19 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡੌਨ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखिए हरदीप जी, चाहे उत्तर प्रदेश की जेल हो जो बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं है, दिल्ली की जेल हो जहां पर बड़े बड़े सीएम से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जेलों के अंदर बंद रहे हो, पंजाब की जेल हो, हरियाणा की जेल हो, दूसरे स्टेट्स की जेल हो, हमेशा विवादों में रही है, राजनीतिक विवादों में रही है, आपराधिक लोगों से संलिप्तता। और जिस तरह से अब ये वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान से लॉरेंस बिश्नोई ईद की मुबारकबाद अपने काउंटर पार्ट को दे रहा है, ये बहुत सीरियस इशू है, इसको हल्के में ना लिया जाए। क्योंकि पंजाब जिस तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है और पंजाब के अधिकांश लोग शांति पसंद हैं, अमन पसंद हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पंजाब हमेशा उथल पुथल रहे, पंजाब में हिंसा बढ़ती रहे, पंजाब तरक्की ना कर पाए। और बड़ा पुराना इतिहास है लॉरेंस बिश्नोई, जिस तरह से मूसा वाले के केस के अंदर लॉरेंस बिश्नोई का टाइम एंड अगेन उसका नाम आया, तमाम गैंग्स की एक्टिविटी आई, तमाम सरकारों के कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी उसकी मिलीभगत नजर आई। क्योंकि एक ऐसा खेल लॉरेंस बिश्नोई चाहे जेल में रहते हैं या जेल से बाहर थे या विदेश में रहते थे या उनके विदेश में गुर्गे बैठे हैं, चाहे पंजाब में है, चाहे कनाडा के अंदर है, अमेरिका में है, वो इस तरह के खेल खेलते हैं कि उसमें पैसा भी है, राजनीति भी है और बहुत सारे असामाजिक और क्रिमिनल एक्टिविटीज है। तो ये जो वीडियो अभी लीक हुई है, जो बहुत हालांकि छोटी वीडियो है, परंतु सवाल जरूर पैदा करती है कि गुजरात में साबरमती जेल से जिस तरह से वो इंटरव्यू दिखाया गया है या उसकी बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं सवाल पैदा करते हैं। आपने देखा कि अमृतपाल को पंजाब की जेल में ये लगा कि शायद कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको डिब्रूगढ़ चेंज कर दिया गया, आसाम भेज दिया गया, परंतु जो हालात पंजाब जिनसे निकल रहा है पंजाब, वो दोबारा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजने वाली है या बज चुकी है और इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। आज आपने देखा कि निखिल गुप्ता को किस तरह से चेक रिपब्लिक से ट्रांसफर किया गया, गुरमंत पन्नू के मैटर के अंदर अमेरिका ले जाया गया जी, जहां पर तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी और तमाम तरह के उससे सवाल जवाब होंगे, क्योंकि उस पर एलिगेशन है कि गुरुवंत पन्नू की हत्या क्या उसने कोई सुपारी ली थी या इस तरह की भारत सरकार की कोई नियत थी। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठ रहा है कि क्योंकि अमेरिका गवर्नमेंट ने एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन उसको लाने के लिए भेजा गया है, तो क्या इस तरह की फैसिलिटी तमाम जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स जिनको अमेरिका टाइम एंड अगेन अपने कंट्री में ट्रायल के लिए बुलाती है, क्या इस तरह की जो जहाज की स्पेशल जहाज भेजा गया है, क्या ये एक सामान्य चीज है या कोई इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है? क्योंकि इलेक्शन अभी अभी हुए हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन, उसमें ये बहुत बार कहा जा रहा है कि अमेरिका की उसमें दखलंदाजी रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रही हो, राजनीतिक लोगों को पैसा या चंदा देने की बात की गई हो, यहाँ तक कि केजरीवाल जो सीएम दिल्ली के हैं उनके खिलाफ भी बहुत सीरियस एलिगेशन है कि उन्होंने कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ली है, उसकी अभी एक जांच की जा रही है, अभी हालांकि उसमें एफआईआर नहीं हुई है इसलिए कहना ये प्रीमेचोर होगा, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी जिस वजह से ये बात यहाँ तक पहुंची है। तो ये सवाल कनाडा से जुड़ा हुआ है, ये सवाल यूके से जुड़ा हुआ है, सवाल ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है कि ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पंजाब में कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होती रहे। अभी आपने कुछ इस तरह के सोशल मीडिया पर चीजें आई जिसमें दिखाया गया कि पंजाब पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर जुलूस निकल रहे थे जिसके अंदर खालिस्तान के सपोर्ट में नारे लगाए जा रहे थे, तो ये बहुत बड़ा एक इशारा करती है तमाम चीजें कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं सुराग कहीं कहने के बारूद में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब को दोबारा दहलाने की जलाने की कोशिश की जा रही है, पर इसका जो इंतजाम है भारत सरकार को तुरंत उसकी कैपिंग करनी चाहिए वक्त रहते, ऐसा ना हो कि आपकी आधी चीजें हाथ से बाहर निकल जाए, उसके बाद आप कोशिश करें। जे असी इस नूं मौका रहिंदे होए ना संभालिया तां नुकसान वड्डा हो सकदा। सर एक बड़ी अहम चीज़ पहला जिवें आपां जिक्र कीता कि पंजाब दी जेल दे विचों इंटरव्यू हो जांदी है तां पंजाब दी सरकार ते बहुत सवाल खड़े होए, हुण जदों गुजरात दी जेल दे विचों वीडियो निकल के सामने आ रही है जिस स्टेट दे विच भाजपा लंबे समय तो राज कर रही है, जिथों राज करदे करदे देश दे विच
तीन वारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी शपथ ग्रहण कर चुके हैं, तो उस स्टेट के विचों भी जे ये वीडियो वायरल हो रही है तो असं मान लीए कि सारा तंत्र ही गलतान हैगा सारे पासे। बिल्कुल, इस पर सवाल पैदा होना चाहिए जहां से इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं उनके होम स्टेट से, और साबरमती जैसी जेल जो इतनी प्रोटेक्टेड जेल मानी जाती है, हर तरह के उसमें तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट फिक्स किए गए हैं, तमाम तरह की सिक्योरिटीज प्रोवाइड की गई है, बहुत सारा पैसा सरकार का उसके ऊपर खर्च किया जाता है उसको सिक्योर करने में। यदि इस तरह की चीजें यदि साबरमती जेल से होती हैं, मैं कहता हूं दिल्ली की जेल से भी होती हैं, तो जरूर सवाल पैदा होंगे कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना जा रहा है। क्या ये लापरवाही ही है या कहीं कनाइवेंस है, कुछ लोगों की मिलीभगत इसके अंदर है, या ये लापरवाही है? लापरवाही तो हो नहीं सकती कि जेल के अंदर इस तरह से आदमी, आपने पहले भी बताया कि मुझे भी अच्छी तरह याद है, मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स के इसके बारे में डिबेट की थी जब पंजाब से जेल से कोई इंटरव्यू इस तरह का आया था, और साबरमती जेल से आना ये जरूर कहीं ना कहीं इशारा करता है कि जेलों के अंदर सब कुछ अप टू डेट नहीं है, कहीं ना कहीं व्हाट गलत है जिसको करेक्ट किए जाने की जरूरत है। यदि इस तरह के अपराधी जो इतने हीनियस ऑफेंस के अंदर जेलों के अंदर बंद है और जेल से वो खुलेआम इंटरव्यू देते हैं और ये भी कहते हैं कि यदि आपके यहाँ ईद कल है तो हम आपको कल दोबारा मुबारकबाद देंगे, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने अपने ऊपर उनको आत्मविश्वास है कि वो कहीं ना कहीं उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हर तरह से तैयार हैं, चाहे उसमें पैसे की मौजूदगी हो, चाहे राजनीतिक संलिप्तता हो, या उनका कोई अपना खुद वर्चस्व हो। तो ये बहुत बड़ा एक घटना है, ये ठीक है कुछ आपने बताया सेकेंड की घटना है, पर ये इशारा बहुत बड़ा है। एक बड़ी समझण वाली चीज़ है कि जिहड़ी कॉल किसी व्यक्ति नाल हो रही है, जिहड़ा व्यक्ति हैगा वह शहजाद भट्टी, एक नामवर गैंगस्टर, एक नामवर डॉन अपने हिसाब नाल असीं कह सकते, जिहदे उत्ते बहुत सारे केसिस हैगे ने, वो असी उहदे हिस्टरी फरोलण की कोशिश करिए तो उहदे उत्ते भी कई नाम इदां दी घटनावां बोलदियां कि उहदा भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड हैगा उच्चे उच्चे तौर पर। पहला तो चलो असीं मानते सीगे कि एक पत्रकार ने इंटरव्यू की है, उहदियां अलग चीज़ां दियां आउटकम्स हो सकदियां ने, उन्हें इस करके इंटरव्यू की कि सिद्धू मूसेवाले के कतल केस बारे बहुत सारिया चीज़ा जाननिया चाहता सी, तो उन्होंने उस तरीके की इंटरव्यू, पर यह पाकिस्तान के नाल राबता भारत दे विच रह के जदों असी उस व्यक्ति दियां कुछ स्टेटमेंटा सुनते हैं, असी लॉरेंस बिश्नोई जदों डे उन्होंने तरीक ते लिया जाता सीगा तो हुण तां तरीकां ही उहदियां ऑनलाइन कर दित्तियां गईयां ने, तो यह जिक्र करता सीगा अपनी वीडियो दे विच भी जिक्र करता सी जिहड़ियां इंटरव्यू होईयां कि मैं बहुत वड्डा देश भगत हैगा, मैं बहुत समाज के लिए सोचता हैगा, गऊ रक्षा करनी हैगी, असी बहुत समाज के बारे सोच रहे हैं, असी हिरन नू मारिया तो सलमान खान नू टारगेट कर रहे सी लगातार, तो उहदे पाकिस्तान दे नाल लिंक, जदों पाकिस्तान नाल असी लिंक करते हैं तो फिर असी मान लीए कि इंटरनेशनल लैवल पर वह अपने आप नू एस्टैबलिश कर रहा हैगा, एक वड्डा डॉन बनने की कोशिश कर रहा हैगा, हुण वड्डा ट्रेल होगा उहदा वड्डे तरीके नाल, वह अपना अपने आप नू विस्तार कर रहा हैगा। देखिए, जो अपराधी है यदि अपने आप को क्लेम करता है कि वो देशभक्त है और इस देश के कानून को नहीं मानता, ठीक है वो बहुत बड़ी गाय की सेवा करते होंगे, तिरंगे के प्रति उनकी श्रद्धा होंगी, परंतु पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है और एक अपराधी से वहां के बात करना, उनको ईद की मुबारकबाद देना, ईद की मुबारकबाद दें कोई बुराई नहीं है, परंतु जेल से आप जिस तरह से इस देश के तमाम कानूनों को धता मानकर तोड़कर आप उनको मुबारकबाद कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो आप देशभक्त तो इस तरह के लोग हो ही नहीं सकते। और जिस तरह के जो उनके काउंटर पार्ट हैं जिनसे बात कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल एक इतिहास है, उसकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है, उससे यदि आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक आम बात नहीं है। आप किसी देश के बहुत बड़े राजनेता से या किसी अच्छे आदमी से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी जो बातचीत हो रही है एक अपराधी से हो रही है, तो इस तरह के क्लेम करना कि हम एक तरफ बहुत ईमानदार हैं दूसरी तरफ आप बहुत भ्रष्ट हैं, तो वो उनकी बातों में कहीं भी मेल नहीं है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है जब मूसेवाले का जो मर्डर हुआ और तमाम जो उसके बाद में जो तमाम चीजें डेवलप हुई, जिस तरह से हथियार लाए गए, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से गाड़ियां अरेंज की गई, तो ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि लॉरेंस बिश्नोई कितने बड़े आपराधिक किस्म के आदमी हैं, और ये जो आज जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं ये बहुत बड़ा मामला है, सरकार को वक्त रहते इस तमाम मामले की जांच करनी चाहिए, और हो सके तो इस तरह के आदमी को भी डिब्रूगढ़ जेल या और जो सुरक्षित जेल मानी जाए जहां पर इस तरह के लोगों की पहुंच ना हो पाए, इनको तुरंत ट्रांसफर किया जाना चाहिए, मेरा अपना मानना है ऐसा।
एक बड़ी अहम चीज़ है कि एक चीज़ यह भी रही है कि ये जो गैंगस्टर जेलों के बह के ओपरेट करते हैं इन्हों के नाम से वड्डे पद्धर से एक्सट्रॉशन होंगी है, इन्हों के नाम लैके बहुत सारी चीज़ा इदा दियाँ होंगे ने कि जड़ियाँ असी आम तौर पर पब्लिक डोमेन के नहीं देखते, बहुत सारे वड्डे वड्डे लोगों तो करोड़ों के पैसा वसूलिया जाता है। तो लगता कि कई वेले भी होंगे कि कुछ लोग कहें कि फेक बंदा अकाउंट सानू कॉल कर रहा है, गलत नंबर तो कॉल आ रही है, असी तो नहीं यकीन करते, तो फिर इदा की एक वीडियो वायरल कर दी जाती है कि मैं कितों भी कॉल कर सकता, तो जे तुहानू पैसों की कॉल आ रही है तो मान लो वो मेरी कॉल ही हैगी है, तो ये यकीन दवाने लिए कि मैं जेल के बह के भी ओपरेट कर रहा है। तो लगता कि ये उस तरीके एक क्योंकि तुम इस सिस्टम के रहे हो पोलिटिकल तौर पर असी चीज़ा होर तरीके समझते हैं, जो असी एडमिनिस्ट्रेशन तौर पर देखनी हो तो चीज़ा होर तरीके होंगे ने, मान दो कि ये सुनेहा दिता हो सकता लॉरेंस बिश्नोई के वालों जिन्हें तो पैसे कटवाने ने कि आ देखो मेरी वीडियो जो इदा चल रही है तो मैं ही तुम्हें कॉल कर रहा तो पैसे पहुँचते कर दो। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सच है, ये सच्चाई है, इसमें बिल्कुल भी कोई ऐसा डाउट नहीं है। आपने देखा बहुत सारे दुबई से या मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इवन यूके से इस तरह की कॉल जनरेट होती है जहाँ पैसे की डिमांड होती है और बहुत सारे टाइम वो सच होती है, यहाँ तक सच होती है कि पैसा वाला डिमांड करने वाला बोलता है कि देखिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि मैं दाऊद का आदमी बोल रहा हूँ या मैं लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बोल रहा हूँ या मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, अभी आप जहाँ बैठे हैं अभी आपकी खिड़की पर एक गोली आके लगेगी, उसी टाइम एक गोली खटाक से खिड़की पर आके दरवाजे पे आके लगेगी तो आप भी डर जाएंगे, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े से बड़ा बिजनेसमैन डर जाएगा, बिल्कुल विश्वास करेगा कि कॉल जो है बिल्कुल जेन्युइन है और वो तुरंत पैसे देते हैं, इवन पुलिस तक को नहीं बताते हैं कि इस तरह से उनके पास विदेश से कॉल आई थी, उन्होंने जो भी करोड़ों रुपए की डिमांड की थी फिरौती मांगी थी उनको दे दी गई। तो ये अंडरवर्ल्ड के अंदर ये बिल्कुल प्रिविलेंट है, हालांकि इसका मिसयूज करते हैं बहुत से टटपूंजी क्रिमिनल या घटिया तरह के लोग, इस तरह की चीजों का फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दुबई से कॉल करते रहते हैं, इस तरह की कॉल सिम लेना आज की डेट में बहुत आसान है, आप दुबई से आप सिम इशू कराकर यहाँ आकर इंडिया आकर किसी कॉर्नर में आकर कॉल कर सकते हैं, पुलिस को हालांकि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लग जाता है कि कॉल कहाँ से जनरेट हुई है, पर एक आम आदमी के लिए तो एक डर एक खौफ का माहौल पैदा होता है और ये खौफ ही पैदा करते हैं, इनका पर्पज ही खौफ पैदा करना है। ये जो वीडियो है ये लोगों के अंदर एक जो इस तरह के लोग हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा करेगी कि ये जो आदमी जेल से पाकिस्तान में इंटरव्यू कर सकता है अपनी बात पहुंचा सकता है। एबीपी न्यूज पर जब पिछला आप हम लोग जिक्र कर रहे थे एक प्रेस के रिपोर्टर ने हमारे दोस्त भी हैं उन्होंने इसका इंटरव्यू किया था तो वाकई में एक यकीन जगता है कि ये आदमी बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है और कहीं भी हमारे साथ कोई भी बड़ा हादसा हमारे साथ हमारे बिजनेस के साथ हमारे परिवार के साथ हमारे बच्चों के साथ होता है, इसी खौफ को पैदा करके ये करोड़ों करोड़ों रुपए जनरेट करते हैं और यही इनका बिजनेस है यही इनका कारोबार है। सर दो बड़ी अहम चीज़ा ने, एक पासे एक सरकार बनती है जिहड़ी लोगों नूं भरोसा दवाउंदी है कि असी तुहानूं सुरक्षित रखांगे तुसीं सानूं वोट पाओ सानूं चुणो असी तुहाडी सुरक्षा दा पूरा जिम्मा उठावांगे, दूसरे पासे इह जिम्मेवारी प्रशासन दे दित्ती जांदी है जिहदे विच असी सिद्ध तौर ते मानदे हां कि पुलिस जिहड़ी है उह हुंदी है, उह पुलिस कहिंदी कि असी तुहानूं सुरक्षा प्रोवाइड करांगे वी आर द सेवियर ऑफ द सोसाइटी, तां उहनां ने अपने तौर ते विचना हुंदा तुसीं वी इस ड्यूटी दे विच रहे हो, तां लगदा कि इह दोहीं वड्डे थंम जिहड़े भरोसा दिंदे ने कि असी सिक्योरिटी तुहाडी यकीनी बणावांगे तो इस वक्त दोहां ते सवाल खड़े होंदे ने ते उन्हां नूं इस वक्त रिएक्ट करना चाहिए रिएक्शन देना चाहिए जवाब देना चाहिए उचेचे तौर पर जिम्मेवारी लेनी चाहिए भी हाँ साढ़े तो गलती हुई है जां कुताही पाई गई है तो असीं एक्शन लवेंगे तो इस व्यक्ति नूं अज तो बाद सूरज नहीं दिखेगा ना इहनूं फोन प्रोवाइड होणगे ना इहनूं उस तरीके की सुरक्षा मिलेगी या सिक्योरिटी मिलेगी जिस तरीके नाल हुण इह सारियां सहूलतां मिलियां होंगे। बिल्कुल इस सारे मामले की एक उच्च हाई लेवल एक जांच होनी चाहिए चाहे सीबीआई करे एनआईए करे और वहाँ की लोकल पुलिस करे वहाँ का जेल प्रशासन करे, पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए उनको साबरमती जेल प्रशासन को गुजरात सरकार के किसी जिम्मेदार मंत्री को अधिकारी को बयान देना चाहिए कि इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये जो बात हुई है जेन्युइन है या फेक है या हम इसकी जांच कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि हमारे नेता या हमारा जो प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी हैं हम उनके अंडर में महफूज हैं सुरक्षित हैं और जरूर इस बारे में एक्शन लिया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ में लोग वोट करते हैं सरकारों को चुनते हैं, अभी आपने देखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं पंजाब में भी इलेक्शन हुए हैं गुजरात में भी इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, इसीलिए किया है कि हमारे जो नेता हैं
वो हमारे लिए काम करें, ना कि लॉरेंस बिश्नोई या इस तरह के तत्वों के साथ में उनकी कोई मिलीभगत हो। दिल्ली के अंदर आपने देखा कि हमारे तो सीएम के घर में ही उनके जी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर को तक को पीटा गया, तो कैसे विश्वास करें कि जिन सरकारों को हम और आप वोट डालकर चुनते हैं, किस तरह से वो उनके यहाँ अपनी हालत उनकी कितनी खराब है, किस तरह से वो पब्लिक के साथ में व्यवहार करते हैं, अपने एमपी महिला एमपी तक को पीट देते हैं, तो जी इस तरह के विश्वास उठ जाता है इन सरकारों से। एक आम आदमी मेरे जैसे और हरदीप जैसे आदमी को विश्वास उठता है कि क्या जिन मंत्रियों और इतने बड़े बड़े ओहदे वालों के हम इज्जत सम्मान करते हैं, क्या वो इस लायक हैं भी या नहीं है, क्या वो हमें सुरक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे या विफल हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा एक सस्पेंस है, सवाल है जो एक आम आदमी पूछता है। बड़े आदमी की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी सिफारिशें होती हैं, पैसे से रसूख से काम करा सकता है, परंतु एक आदमी जिसका विश्वास कानून के अंदर होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, यदि इस तरह की बातें उसके सामने आती हैं, तो इन सरकारों से, इस सिस्टम से उसका विश्वास डगमगा जाता है, हिल जाता है, और वो परेशान हो जाता है कि क्या मैंने इन लोगों को इसी दिन के लिए चुना था। तो एक बहुत बड़ा सवाल है हरदीप जी। बिल्कुल सर, पिछले जो कुछ घटनावां हुई हरियाणा दे विच एक नौजवान दे उपर हमला होया, उन्हें यह कहा गया कि तू खालिस्तानी है, सरदार होने करके उन्हें खालिस्तानी कह के टारगेट किया गया। हिमाचल दे विच कुछ घटनावां सामने आई जिथे इस करके कुछ सिख परिवार जिहड़े सिगे पंजाबी परिवार सिगे उन्हां ते हमला होया कि तुसीं कंगना रनौत दे उपर हाथ चुके, ऐसे करके उसका अंजाम तुहानूं भुगतना पै रहा है। एक चंडीगढ़ पुलिस दे ASI दी हुण नवीं वीडियो वायरल हो रही है, उहदे विच वी इह जिक्र आ रहा कि कंगना दे उपर हमला होया तां करके। तां इह लगदा कि बहुत सारिया घटनावान साइमल्टेनियसली हो रही ने जिड़िया माहौल खराब करने के वाला ले जा रही, जिम्मे शुरुआत में जिक्र किया कि एक भाईचारक सांझ हैगी साडे पूरे पूरे देश की, असी गल करते हैं वक् वक् धर्मों के लोग ने वक् वक् तरीके विचरते हैं, पर जो देश की गल करते हैं तो आपसी भाईचारक सांझ के नाल रेंदे ने, पर लगता कि उस ब्रीक थ्रैड न तोड़न की कोशिश हो रही है इस वे। बिल्कुल, देखिए पंजाब का एक अपना इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। जो सिख कौम है उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज भी आर्मी में और पुलिस के अंदर आप देखें बड़े से बड़े ऑफिसर हैं, छोटे से छोटे ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस देश के लिए काम किया है, अपनी जिंदगी कुर्बान की है, और बड़ा लंबा इतिहास है, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते हैं, इस तरह से आपने कंगना रनौत का एक एग्जाम्पल दिया, उसमें जो महिला कांस्टेबल बहुत गुस्से में थी, उन्होंने आकर उनको थप्पड़ मार दिया या उनके साथ बदसलूकी की, तो डिसिप्लिन फोर्स के अंदर ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। उनको यदि अपनी कोई बात रखनी है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, यदि उनको उससे बदला लेना है कि यूनिफॉर्म उतार कर इलेक्शन लड़े, उनके सामने आए, अपनी बात को सिद्ध करें कि हाँ मेरी माँ को आपने यदि 100-100 रुपए का काम करने वाली कहा था तो मैं आपको पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब दूंगी, मैं कानून के हिसाब से जवाब दूंगी। इसका तरीका ये नहीं कि आप उठाकर एयरपोर्ट पर आप उसको थप्पड़ मारते। CISF आज छोटी फोर्स नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फोर्स है, तमाम पार्लियामेंट, तमाम एयरपोर्ट, बड़े बड़े एटॉमिक जो प्लांट्स हैं वहां पर CISF होती है। यदि इस तरह से ही लोग अपने हाथ में कानून लेंगे, चाहे वो अभी जिसका कंगना रनौत का इंस्टेंस है, मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि यदि सभी लोग अपने हाथ में इस तरह से कानून लेंगे तो कानून तो व्यवस्था चरमरा जाएगी, चाहे पंजाब की है, चाहे यूपी की है, चाहे पूरे हिंदुस्तान की है। तो जो जिम्मेदार लोग समाज के हैं उनके उनको जरूर इस बारे में बताना चाहिए कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू है, हम उसी सब्जेक्ट पर आते हैं, ये बिल्कुल एक गलत मैसेज दे रहा है कि सरकार को बिल्कुल इसके बारे में पहल करनी चाहिए, जिससे कि मेरे अंदर, आपके अंदर, एक आम आदमी के अंदर एक मैसेज जाए प्रोसा, कि सरकार प्रोसा बना रही है। सर एक बड़ी अहम चीज आप भी जिक्र करते चलिए, क्योंकि रीसेंटली तुसी देखिया होना सलमान खान के घर के बाहर भी गोलियां चलिया, जिवें तुसी थोड़ा जिहा जिक्र किया कि जो वड्डे गैंगस्टर जां वड्डे नामी डॉन उन्होंने अपनी अपना यकीन दवाना होवे कि हमला मैं ही करवाया हैगा, तां गोली उन्हां दे घर दे बाहर रहन उत्थे चलदी जिथे उन्होंने क्या गया हुंदा। लॉरेंस बिश्नोई जिहड़ा मीडिया के सामने ये गल बार बार कह चुका हैगा कि असीं सलमान खान नूं मारांगे ठोकांगे, तां उस दे कहण दे बावजूद इस तरीके दीआं जे उहदे घर दे बाहर हमले हो रहे ने, उहदी सुरक्षा दे विच इजाफा करना पै रिहा हैगा, तां किस तरीके नाल इस पूरे सिस्टम नूं समझा जावे कि एक व्यक्ति शरेआम जिहड़ा धमकी दे रहा हैगा किसी व्यक्ति नूं, जिहड़ा नामवर व्यक्ति हैगा ते वो जेल दे विच बैठे ही सारा सिस्टम भी चला रहा हैगा, तां फिर भी उहदे खिलाफ़ क्यों कोई कार्रवाई, कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं हो रहा, जां कोई वड्डे उहदे पूरे सारे मसले नूं क्यों कोई कंकलूजन ते लैके कोई पक्का हल नहीं किया जा रहा, कमी कित्थे लगदी है, कित्थे तुहानूं लगदा कि लूप होल हैगा इस करके उस व्यक्ति दे खिलाफ़ वड्डी कार्रवाई नहीं हो रही।
देखिए इनका जो नेटवर्किंग है इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है फिल्म इंडस्ट्री में। सलमान खान एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनके लोग एक बड़े फॉलोवर भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों के अंदर, और पैसे की कोई उनके पास में अनाप शनाप पैसा है कोई कमी नहीं है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा एक नाम किया है, पैसा कमाया है। तो इनका जो नेटवर्किंग है, आप देखिए अभी जो सलमान खान केस से जुड़ा हुआ आदमी है, राजस्थान से पकड़ा गया, पहली अरेस्ट हरियाणा से हुई। तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से नेटवर्किंग हो रही है, यहाँ से लेके कनाडा तक, अमेरिका में तमाम उनके गुर्गे बैठे हुए हैं। तो ये एक इतना बड़ा गेम है, इतनी बड़ी साजिश है इसके अंदर। मैं बिल्कुल पुलिस वाला होने के बावजूद भी कह रहा हूँ, बहुत सारे पुलिस के ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह के तत्वों से मिले होते हैं। आपने देखा कि बॉम्बे के अंदर ही जो हमारे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अंबानी जी, उनके घर के पास में किस तरह से डायनामाइट रखवाया गया, उसमें बाद में एक प्रदीप शर्मा पुलिस ऑफिसर है, आज भी वो अरेस्ट हुए, जेल के अंदर है, बहुत बड़े अधिकारी थे, नामवर अधिकारी थे। तो ये इस तरह की जो बैड एलिमेंट्स हैं समाज के अंदर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुरीति है, ये हमारे समाज को खाते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ में इतना स्ट्रांगली डील करने की जरूरत है कानून को, इनके साथ कोई रियायत की जरूरत नहीं है। वक्त रहते हमें केवल जागने की जरूरत है, सिस्टम को अलर्ट करने की जरूरत है। जिस तरह से आप टीवी पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाएगी, एक मैसेज जाएगा समाज के अंदर कि यदि इस तरह से काम किया तो तमाम सोशल मीडिया इस पर एक्टिव होकर अपना रिएक्शन देगा और बहुत स्ट्रांग एक मैसेज दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो आज का प्रयास है, जो आपकी वीडियो है, तमाम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। इस तरह की चीजें हिंदुस्तान में, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आसाम हो, यूपी में नहीं होनी चाहिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भूषण साहब, आखिरी कमेंट तुहाडा, क्योंकि तुसी बतौर पुलिस वाले बहुत सारिया थावां ते ड्यूटी की है, मानते हो कि बिना पुलिस की मिली भुगत तो लॉरेंस बिश्नोई तक फोन नहीं पहुँच सकता, कितने लूप होल्स है, कोई ब्लैक शीप्स है साढ़े, इस करके सारा कुछ वापर रहे। बिल्कुल, बैड फिश आर ऑलवेज देयर, हर सिस्टम के अंदर बैड फिश होती है। पुलिस के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। अभी दिल्ली पुलिस में आपने देखा कि किस तरह से एक सब इंस्पेक्टर 24 लाख रुपया मांग रहा था, डिमांड कर रहा था एक्सटॉर्शन केस में, उसको अरेस्ट किया गया। तो इसकी हमेशा रहती है, परंतु वो है कि आपको कितना विजिलेंट है, हमारी सरकार कितना विजिलेंट है, ऐसे लोगों के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। चाहे पॉलिटिकल जो कम्युनिटी है उससे लोग हैं, वहां भी सारे अच्छे नहीं है, जो हरा भरा दिखता है सारा हरा भरा नहीं है, उनके पीछे भी बहुत सारे ऐसे लोग उनके साथ कनेक्टेड हैं, जो उनका काला इतिहास है वो तमाम को पता लगना चाहिए कि हमारे जो पॉलिटिशियन है, पुलिसमैन है, प्रेस वाले लोग हैं, किस तरह से इन चीजों को मिसयूज करते रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए सिस्टम में। तो इसी आप और हमारी वजह से ही, सोशल मीडिया की वजह से ही बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं, और इन चीजों पर चेक जरूर लगता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरूर लगता है, मेरा अपना मानना। बहुत शुक्रिया, तुम समा दिता, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी तुम साझी की, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो असं गलबात कर रहे थे रिटायर्ड ACP वेद भूषण जी के नाल, जिन्होंने सानू दस्या है कि किस तरीके दे नाल सिस्टम दे विच वड्डे पद्धर ते खामियां हैगियां ने, इसे करके ये सारिया घटनावां हो रही ने। जे लॉरेंस बिश्नोई खास करके PM दी स्टेट होवे, तां PM दी स्टेट दे विचों गुजरात दे विचों ये जिहड़ी वीडियो हैगी आ, इहनू लैके हले बहुत सारे शंके ने। हो सकता कि पिछली बार भी ये कहिंदे सीगे कि लॉरेंस बिश्नोई की जिहड़ी इंटरव्यू ओह फेक हैगी आ, जां कितें होर बैठ के होई है, तो उन्हें दूसरी इंटरव्यू कर दित्ती सी, तां ये लोग सिस्टम नू चैलेंज कर रहे हैं, तो इन्हां दे पिछे केड़ियां वड्डियां ताकतां ने जिहड़ियां इन्नी आसानी दे नाल इन्हां नू ये सारा कुछ ओपरेट करन लई दिंदियां ने, तां ये समझण वाली गल है। तां भूषण साहब ने भी साफ तौर पर जिक्र किया हैगा कि ब्लैक शीप्स हैगियां ने, माड़ियां मच्छियां समुद्र दे विच हैगियां ने, जिहड़ियां पूरे समुद्र नू गंदला कर रहियां ने, ते सरकारां जिहड़ियां साडी सुरक्षा दी जिम्मेवारियां लैंदियां ने, ते सिस्टम दे विच जिहड़े प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवारी लैंदे ने, लोड़ हैगी है कि वह अपनी जिम्मेवारी समझण ते लोगों को भरोसा दवाउण कि हाँ असीं तुहाडे सुरक्षा लई मौजूद हैगे हाँ, ते दूसरे पासे इदां दे व्यक्तियों नूं ठल पाई जावे। फिलहाल तुसीं इस बारे की सोचते हो, अपने कमेंट अपने टिप्पणियां जरूर सांझे करो, इत्थे तुहाडे तों आग लैणी आ। बहुत बहुत धन्यवाद।